नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पैरेट बर्ड फ्लावर चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं अपने बजीज पैरेट्स के बारे में और हमारे कॉकटेल पैरेट्स की आप लोगों को आज मैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे यूपी पैरेट बर्ड फ्लावर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अपने कॉकटेल पैरेट, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है हमारे कुछ कॉकटेल पैरेट। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ डिफरेंट लग रहा होगा सेटअप के अंदर, वो डिफरेंट ये है कि हमारे कॉकटेल पैरेट जो है कुछ पेयर मैंने सेल कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सेल करने की वजह बताऊँगा, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को इस अपने एक पेयर की प्रोग्रेस दिखाऊँगा कि इसने क्या प्रोग्रेस अभी जो है वो की है। सबसे पहले मैं आपको पेयर की सेल करने की वजह बताता हूँ। दोस्तों, मेरे पास चार पिंजरे थे सेम साइज़ के, ये दो फिट ऐसे करके है ये पिंजरा और तीन फिट ऐसे करके है। तो इस पिंजरे का साइज़ मैंने काफ़ी अच्छा खासा रखा है जिससे कि इसमें पेयर फिलाई भी कर ले और अच्छे से ब्रीडिंग भी कर ले। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पेयर को सेल करने की मेन वजह क्या थी। तो मैंने जब इन पिंजरों के ऊपर पिंजरे रखे थे तो एक पेयर मेरा यहाँ था और दूसरा पेयर मेरा यहाँ था और तीसरा पेयर मेरा ये था। फिर उसमें दोस्तों क्या होता था कि मैंने सिर्फ डायरेक्टली यूं ही रख दिए थे नीचे, ये आप देख सकते हो मैंने यूं ही रख दिए थे नीचे। तो इसमें पहले तो कारपेट बिछा हुआ था जो कि मैंने अभी फ़िलहाल में निकाल दिया, जो कि नीचे से साफ़ सफाई मैंने की थी। तो मैं अब आपको बताता हूँ नीचे से दोस्तों साफ़ सफाई जो बहुत ही मुश्किल से होती थी, क्योंकि अब मानो मैं ऊपर वाले पेयर को उठाऊँगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि वो ब्रीड पहले से ही कर रहा है, और अगर मैं इस वाले पेयर को उठाता हूँ इधर से तो ये वाला पेयर भी डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि ये भी पहले से ब्रीड कर रहा है। कॉकटेल पैरेट जो होता है बहुत एग्रेसिव बर्ड होता है, क्योंकि कॉकटेल अभी तक के रिकॉर्ड में कॉकटेल पैरेट को देखा गया है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बर्ड्स देखा गया है। क्योंकि दोस्तों, जब इसका दाना पानी भी आप लोग करते होंगे तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। और जिन जिन भाइयों के बर्ड्स फड़फड़ाते हैं ना, वो नीचे एक बार कमेंट्स कर देना और उनका भी मैं सोल्यूशन लेकर के आ गया हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मैंने ये एक पेयर किस लिए रोका, मतलब चाहता तो मैं इस पेयर को भी सेल कर सकता था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये मैंने पेयर क्यों रोका। इस पेयर को मेन रोकने की वजह ये है दोस्तों, फीमेल है ये टेम, तो ये काफ़ी समय से फीमेल जो हमने खुली रखी थी नीचे अपने रूम में, तो उस वजह से फीमेल के साथ में काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया है हमारा। तो इसीलिए फिर हमने इस पेयर को पूरे ही जोड़े को रोक लिया, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से टेम चीज़ें भी सेल करने में मज़ा नहीं आता। और ये फीमेल जो है आज भी हाथ पर आ जाती है तो कुछ हमारा सेल करने का इसलिए दिल नहीं करता इस पेयर का। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस पेयर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, क्योंकि दोस्तों आप लोग जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो वो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ। तो ये मैंने फ़िलहाल जो काम चला हुआ ये कट्टा बिछा दिया है क्योंकि यहाँ पर गंदगी हो रही है। अभी हम पूरी मैट बिछाएंगे यहाँ पर, वो मैट जो थी ना इनकी वो मैंने सुखाने के लिए रख दी है। जैसे ही वो धुल तो गई है पर सूखना बाकी, जैसे सूख जाएगी वैसे हम यहाँ लगा देंगे। तो ये देखें, सबसे पहले आप पेयर चेक करें, यहाँ पर क्रीमिनो की फीमेल है और ग्रे का मेल है, तो मेल भी काफ़ी सुंदर है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रेस इसकी चेक कराता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर जो है एक बच्चा है और बच्चे को फीड जो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिली हुई है, और शायद से फीमेल के और अंडे भी हैं, ये देखें साइड में आपको दिख रहा होगा। तो जैसे और बच्चे निकलेंगे वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये थी हमारे कॉकटेल पैरेट की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हमारी बजीज पैरेट की भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि दोस्तों कुछ प्रॉब्लमें थी जिनकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देने की। तो यहाँ पर हमारे कॉकटेल पैरेट्स की आप लोगों ने ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखी ली। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को हमारी कॉकटेल पैरेट्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे यूपी पैरेट बर्ड्स लवर चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।